हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वह लेटर राइटिंग के ऊपर बेस्ड है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ और दो फॉर्मेट लेकर आया हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं लेटर राइटिंग के। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मेट देखते हैं। इसके ऊपर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है लेटर राइटिंग के कि ये इस फॉर्मेट के ऊपर बेसिकली एक लेटर में 11 या 12 चीज़ मेन होती हैं। हम उन पे डिटेल से बात कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि लेटर किस प्रकार से होता है। सबसे पहले एड्रेस लिखा जाता है और हेडिंग लिखा जाता है, फिर डेट, फिर रेफरेंस, फिर एड्रेस आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सैल्यूटेशन आता है, द ग्रेडिंग जिसको बोला जाता है, मेन मेन बॉडी जो मैसेज होता है वो आती है, फिर सब्सक्रिप्शन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको बोला जाता है वो भी आता है, सिग्नेचर, इनक्लोजर और पोस्ट स्क्रिप्ट सबसे लास्ट में आता है। इस मैं आपको इसके बारे में बता दूं, हेडिंग या एड्रेस जो भेजने वाला होता है सबसे पहले उसका लिखा जाता है और वो ज़्यादातर राइट साइड में लिखा जाता है। उसके नीचे डेट आती है, डेट कैसे लिखी जाएगी वो भी एक आगे मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। और रेफरेंस, रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है कि किसी चीज़ के हम लेटर लिखते हैं, किस चीज़ का जवाब दे रहे हैं। बेसिकली ऑफिशियल या फिर बिजनेस लेटर में यह होता है कि हम किसी चीज़ का जवाब देते हैं तो उस जिस चीज़ का अपन जवाब दे रहे हैं, जिस लेटर का जवाब दे रहे हैं उसका रेफरेंस दिया जाता है, तो उसको रेफरेंस एक टॉपिक होता है अलग से। ये सिर्फ फॉर्मल लेटर में होता है। फिर एड्रेस आता है, किसका एड्रेस? जो कि भेज रहा है उसका एड्रेस होता है। सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन जैसे डियर सर, डियर मैम, इस प्रकार से होता है सैल्यूटेशन जिसको द ग्रेडिंग भी बोला जाता है। मेन बॉडी आती है, फिर सब्सक्रिप्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको बोला जाता है। इसमें बेसिकली होता है कि योर फेथफुली, ओबीडेंटली, इस प्रकार से सब्सक्रिप्शन में लिखा जाता है। फिर होता है सिग्नेचर, भेजने वाले का सिग्नेचर होता है। इनक्लोजर, इनक्लोजर मैं आपको बता दूं, ये जब हम जॉब के लिए ट्राई करते हैं या फॉर्मल लेटर के लिए जो लिस्ट बनाती है, डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होती है, उसको इनक्लोजर कहते हैं। जैसे मैंने 10वीं किया है, 12वीं किया है, BA किया है, BEd किया है, MA किया है, PhD कर, इस प्रकार से जो एक लिस्ट बनाई जाती है डॉक्यूमेंट्स की, उसको इनक्लोजर कहा जाता है। और यह है सबसे लास्ट में है पोस्ट स्क्रिप्ट। ये क्या होता है? ये पोस्ट स्क्रिप्ट होता है कि हम मेन बॉडी, सातों जो पॉइंट है मेन बॉडी में, अगर कोई हमारा मैसेज कि हम कुछ लिखना चाह रहे थे, कुछ मैसेज हमसे छूट गया हो, कोई बात हम बताना चाह रहे हो हमसे छूट गई हो, तो सबसे लास्ट में लिख के पोस्ट स्क्रिप्ट लिख के यदि हो तो आप वो चीज़ जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से लेटर राइटिंग का फॉर्मेट बनता है। एक फॉर्मेट और है वो देखते हैं। ये देखो, ब्लड रिलेशन, रिलेशन, सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन, ये तीन मेन टॉपिक है, इन्हीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन, रिलेशन में हम किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन देते हैं कि योर अफेक्शनेटली योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर, इस प्रकार से हम रिलेशन में बोलते हैं। और फ्रेंड्स में हम अक्सर योर सिंसरली बोला जाता है, यूअर्स बोला जाता है, हमेशा याद रखना। एक क्वेश्चन पिछली बार 2017 में आया था योर सिंसियरली के ऊपर, मैं आपको वो क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा। इक्विटेंस यानी कि कोई परिचित को हम कैसे बोलते हैं, डियर सर, डियर मैम, मिस, हम बोल सकते हैं, लेकिन हम किसी को परिचित हैं तो मिस गुप्ता, मिसेज गुप्ता, हम कुछ भी इस प्रकार से परिचित को द ग्रेडिंग कर सकते हैं। हम एक अपने मैनेजर को किस प्रकार से बोले, देखो हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, हम अपने बड़े अधिकारी, हम स्कूल में काम करते हैं हमारे बड़े अधिकारी, हम कॉलेज में काम करते हैं हमारे बड़े अधिकारी को जो भी कोई भी लेटर लिखेंगे तो उसमें हमेशा सब्सक्रिप्शन एक ही चीज आता है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है इसलिए आपको बता रहा हूँ। यूअर्स फेथफुली, हम अपने ऊपर अधिकारी को, हम जैसे एम्प्लॉय हैं हमारे मैनेजर को हम बोलेंगे यूअर्स फेथफुली।
इसी प्रकार से इन सब में दे रखा है कि हम अपने टीचर्स को कैसे बोलें और हेडमास्टर को कैसे बोले, प्रिंसिपल को कैसे बोले। प्रिंसिपल और टीचर के लिए यूअर फेथफुली बोला जाता है, स्पेशली ये दो चीज़ टीचर और हेडमास्टर या प्रिंसिपल के लिए यूज, योर ओबीडियंटली योर फेथफुली, दो चीज़ बोला जाता है। और हाई ऑफिशियल यानी कि सबसे लास्ट वाला, टू हाई ऑफिशियल योर फेथफुली, कि हमसे जो बड़े अधिकारी हम उनके विश्वास पात्र हैं, योर फेथफुली। ये ना क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2017 में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सब्सक्रिप्शन इन ए लेटर टू ए फ्रेंड। फ्रेंड को हम सब्सक्रिप्शन जो लिखते हैं वो किस प्रकार से लिखते हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इसमें सब में सब्सक्रिप्शन यूअर्स 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 दे रखा है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख सकते हैं, सब में सब्सक्रिप्शन यूअर्स दे रखा है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि जो सब्सक्रिप्शन में आएगा वो यूअर्स ही आएगा। अगर यूअर्स नहीं है तो यूअर होगा, अगर यूअर्स है तो फिर यूअर्स ही होगा, ये बात पक्की है। तो इसमें यूअर्स पहला है, यूअर्स इसमें कॉमा लगा रखा है, ये भी नहीं होगा, यू भी नहीं होगा, यूअर भी नहीं होगा, यूअर्स होगा, यूअर सिंसियरली। हम फ्रेंड को जब भी बोलते हैं यूअर सिंसियरली बोला जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द बॉडी ऑफ एन ऑफिशियल लेटर कंटेन, कि ऑफिशियल कोई भी लेटर है वो क्या, उसका जो मेन बॉडी होती है वो कुछ कैसा होना चाहिए, उसको डायरेक्ट होना चाहिए। हम ऑफिशियल कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें डायरेक्ट हमें मेंशन करना पड़ता है कि क्या क्या मैसेज है, हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। डायरेक्ट एकदम हम चीज़ को, कोई भी मैसेज को डायरेक्ट लिख देते हैं। ब्रीफ होना चाहिए एकदम स्टेटमेंट, कि हम आपको ये लेटर इसलिए लिख रहे हैं, पर्पज ऑफ द करेस्पॉन्डेंट यानी कि जो व्यवहार है, हम आपको पत्र लिख रहे हैं वो इसलिए लिख रहे हैं। डायरेक्ट और ब्रीफ होना चाहिए एकदम, स्टेटमेंट फिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि हम भारी भरकम शब्द और बढ़ाते जाए, नहीं, डायरेक्ट एंड ब्रीफ स्टेटमेंट होना चाहिए। इसका ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द टोन एंड स्टाइल ऑफ ए बिजनेस लेटर शुड बी, बिजनेस लेटर की टोन और स्टाइल कैसी होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, कोर्टेसली होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही है इसका, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। विच इज ट्रू, कौन सा सही है, इसमें तीनों ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन सही है, इनकी तीनों ऑप्शन सही है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। ए बिजनेस लेटर इज अ फॉर्मल, बिजनेस लेटर फॉर्मल होता है, ठीक है, फॉर्मल ही होता है, मैटर ऑफ फैक्ट, फैक्ट पे आधारित, बिल्कुल फिक्स फैक्ट पे आधारित होता है। इट इज अ ब्रीफ होता है, ऑफिशियल लेटर ब्रीफ होता है, पर्पजफुल होता है, इम्पर्सनल होता है, पर्सनल थोड़ी होता है ऑफिस लेटर, इम्पर्सनल होता है यानी कि ऑफिस के काम से लिखा जाता है। सम राइटर्स इंक्लूड लेटर लेटर्स टू द एडिटर्स एंड जॉब एप्लीकेशन इन बिजनेस लेटर, ठीक है, करते हैं कई राइटर इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है। विच इज ट्रू, इसमें कौन सा डी ऑप्शन सही है, तो सारे सही। ऑफिशियल लेटर आर एड्रेस्ड टू गवर्नमेंट, ऑफिशियल लेटर गवर्नमेंट को और सेमी गवर्नमेंट ऑफिसर एंड डिपार्टमेंट को रिलेटेड होते हैं। ऑफिशियल वही तो होता है कि ऑफिस से रिलेटेड, ऑफिस कहाँ होते हैं, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट होते हैं ऑफिस। ऑफिशियल लेटर आर ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन टू मेम्बर्स ऑफ पब्लिक बॉडीज, गवर्नमेंट सर्वेंट यानी गवर्नमेंट सर्वेंट से कम्युनिकेशन करने के लिए, और पब्लिक बॉडीज यानी कि नेता नेता जो होते हैं, जो पब्लिक के सर्वेंट होते हैं एक प्रकार से, लीडर जो होते हैं उनसे बात करने के लिए भी ऑफिशियल लेटर का यूज किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री को लेटर लिखना है तो वो ऑफिशियल लेटर हो जाता है। तो इसका सी ऑप्शन है। ऑफिशियल लेटर आर ऑल्सो यूज इन इंडिविजुअल सीकिंग गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन, यानी कि ऑफिशियल लेटर अपने प्रोटेक्शन के, जो अपने अपने को राइट मिले हुए हैं, जो हमारी नीड है, उनको फुलफिल करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। सही है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। ए लेटर कंसिस्ट ऑफ सर्वल पार्ट्स, देखो एक
लेटर के अंदर मेनली फाइव चीज इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लेटर के अंदर। पहली चीज होती है हेडलाइन, हेडलाइन होनी होनी चाहिए, और सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी कि ग्रीटिंग सर, मैम, डियर, कुछ ना कुछ तो जिससे लेटर मेन बॉडी स्टार्ट करते हैं वो होना ही चाहिए। और एक बॉडी यानी कि मैसेज, मेन जो जो मैसेज होता है वो होना चाहिए। और एक होता है सब्सक्रिप्शन यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज जिसको बोला जाता है, वो होना चाहिए। सब्सक्रिप्शन को कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बोला जाता है, यानी कि क्वेश्चन आ जाए सब्सक्रिप्शन को क्या बोला जाता है तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज भी बोला जाता है। सबसे लास्ट में सिग्नेचर होता है। तो पांच चीज मेन चीज होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। बोल्डली स्पीकिंग देर आर थ्री मेन कैटेगरी ऑफ लेटर्स। लेटर्स की तीन कैटेगरी जो होती है वो मेन होती है, पर्सनल, बिजनेस और ऑफिशियल। पर्सनल, बिजनेस और ऑफिशियल, ये तीन जो कैटेगरी वो मेन होती है। द डेट्स इन ए लेटर कैन बी रिटर्न इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखो लेटर के अंदर पांच प्रकार से डेट लिखी जा सकती है, किसी भी लेटर के अंदर से पांच प्रकार से डेट लिखी जाती है। वो पांच प्रकार कैसे है? देखो ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है और ई भी सही है। ये ऑप्शन इसमें सही है। तो चार प्रकार से डेट लिखी जाती है, वो कैसे लिखी जाती है? जनवरी 26, उसके बाद 26 के बाद कोमा 2012, 26 26th जनवरी, जनवरी के बाद कोमा 2012, द 26th जनवरी कोमा 2012, 15 जनवरी 2012, इसमें भी कोमा है। तो डेट और मंथ, मंथ अगर आगे आ जाएगा तो डेट और ईयर के बीच में कोमा लगेगा। जैसे कि ये चार ऑप्शन दे रखे, चारों ऑप्शन सही हैं। इसमें इसमें ई ऑप्शन सही है। तो इस इन चारों प्रकार से डेट लिख सकते हैं जो कि सही होगा। हम कोमा लगाना आवश्यक है, कोमा लगाना ही पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैल्यूटेशन फॉर ए ट्रेडर और ए मैनेजर ऑफ ए बिजनेस फर्म। देखो किसी भी मैंने, हम जैसे एम्प्लॉय हैं या कोई भी व्यापारी, हम उसको लिखेंगे अपना सैल्यूटेशन या ग्रेडिंग। सैल्यूटेशन का मतलब ग्रेडिंग, किस प्रकार से करेंगे? डियर सर, डियर मैम, डियर सर, डियर मैम बोल के उसको ग्रेडिंग करेंगे। तो इसकी ई ऑप्शन सही है।